आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है पॉलिटिकल ज्योग्राफी में। देखिए, मैंने राजनीतिक भूगोल का अर्थ, परिभाषा, विषय क्षेत्र, उनके बारे में आपको पीडीएफ के माध्यम से बता दिया था। आज हम थोड़ा सा, क्योंकि समझने वाला टॉपिक है इसलिए उसको इस बारे में बात कर रहे हैं। तो आज हम जो पढ़ेंगे, टॉपिक जो हमारा होगा वो है हार्टलैंड थ्योरी, ठीक है, मैकिंडर। हाँ, धुरी क्षेत्र सिद्धांत। देखिए, हमारे जो सिलेबस में है, मैं आपको वो थोड़ा मेंशन कर देती हूँ। एक तो अपना मैकिंडर है, ठीक है, मैकिंडर है। दूसरे अपनी स्पाइकमैन है, स्पाइकमैन। तीसरे हुसन हैं, ठीक है। तो ये तीन तो इम्पॉर्टेंट हैं ही, आपके मैकिंडर है, हुसन है या स्पाइकमैन है। इसके अलावा अगर बात करें स्पाइकमैन और उस हुसन के अलावा भी हमारे एक और इम्पॉर्टेंट बढ़ जाते हैं, मैनिंग। चौथा जो है हमारे मैनिंग, ठीक है, मैनिंग। तो इन चारों की हमें जो राजनीतिक भूगोल में भू राजनीति वाला जो टॉपिक आपको मैंने पीडीएफ के माध्यम से भी बताया था, बाद में अगर उसका अगर आप लोगों को अगर उसमें पीडीएफ में नहीं समझ में आया होगा तो मैं आपको उसको ब्लैक बोर्ड के माध्यम से भी समझा दूंगी। लेकिन फ़िलहाल जो इम्पोर्टेंट है, हम उस टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। इनमें से हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो मैकिंडर की थ्योरी की बात करेंगे, ठीक है, सबसे पहला। बाकी के तीनों हम बाद में एक एक स्टेप बाई स्टेप पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करें मैकिंडर थे कहाँ के। एक्चुअली मैकिंडर इंग्लैंड से थे, ठीक है, और उस समय अमेरिका की शक्ति बढ़ रही थी, अमेरिका के साथ साथ जर्मनी की शक्ति बढ़ रही थी। तो उस शक्ति बढ़ने के प्रभाव स्वरूप ये भी यात्राएं करते थे। इन्होंने उससे पहले अमेरिका में एटी महान महोदय ने समुद्री शक्ति पे बहुत बल दिया था। आपको अगर पूछा जाए सबसे समुद्री शक्ति से रिलेटेड, देखिए नेट में भी क्वेश्चन आते हैं, आप एमए कर रहे हैं तो एमए करने का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ फर्स्ट ग्रेड देना है। एमए का मतलब है आप नेट के लिए भी क्वालिफाइड है, 55% रहे। तो उसमें जब नेट आप पेपर देते हैं तो जर्नल या फिर आप जर्नल फर्स्ट ग्रेड का भी एग्ज़ाम देंगे तो उसमें एक कॉमन क्वेश्चन है, समुद्री शक्ति का सिद्धांत किसने दिया था। तो ए टी महान ने उस समय अमेरिका को कहा था समुद्री शक्ति पर बल दिया था, ठीक है। समुद्री शक्ति मतलब इनका मानना था, अमेरिका के थे और इन्होंने कहा था कि अगर अमेरिका अपने चारों ओर की जो समुद्री शक्ति है उसको स्ट्रॉन्ग कर लेगा तो विश्व में वो एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर के आएगा। तो वहाँ के जो राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट, उन्होंने इन्हीं की नीतियों को अपनाते हुए अपनी जो विदेश नीति तैयार की थी। लेकिन इसके अपोजिट मैकिंडर ने इसके अपोजिट बात कही कि नहीं, समुद्री शक्ति से इम्पॉर्टेंट क्या है, ज़मीनी शक्ति है। अगर आपके ज़मीन के चारों ओर का इलाका अगर आप सिक्योर कर लेंगे तो आपके यहाँ कोई प्रवेश ही नहीं कर पाएगा, और ऐसा इलाका होना चाहिए जिस पे कोई अभेद्य हो, जिसमें प्रवेश ना कर सके। तो उसके लिए इन्होंने धुरी क्षेत्र, हार्टलैंड थ्योरी, आपको इंग्लिश में मिलेगा हार्टलैंड थ्योरी के नाम से, हार्टलैंड थ्योरी अपना सिद्धांत दिया था। इन्होंने देखा कि इनके पास का एक क्षेत्र था जर्मनी। जर्मनी उस समय, देखिए द्वितीय विश्व युद्ध से पहले की मैं बात करूँ, उस समय बहुत शक्ति बढ़ा रहा था, उसको हर चीज़ को हड़पने की एक नीति थी। तो उसने देखा कि अगर जर्मनी शक्ति बढ़ा रहा है तो हमें क्या करना होगा, हमें भी शक्ति बढ़ानी पड़ेगी, अगर नहीं बढ़ाएंगे तो भविष्य में वो हम पे कब्जा कर लेगा। तो उसने कहा कि हमें बजाय समुद्री शक्ति के स्थलीय शक्ति, जो अपने आसपास के क्षेत्र हैं उन पे कब्जा, छोटे छोटे क्षेत्र हैं उनको कब्जा कर लो। जब आप उन पे कब्जा कर लोगे, अपने अधिकार में ले लोगे तो वो आपके क्षेत्र में आ जाएंगे, जब आपके क्षेत्र में आ जाएंगे तो कोई बड़ी शक्ति आसानी से आपके क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाएगी। जैसे आपको सिंपल उदाहरण देते हैं कि आप जब किसी घर के आसपास रहते हो तो आप आस पड़ोस जरूर देखते हो कि आस पड़ोस कैसा है। अगर आपके फेवर का होगा तो आप सिक्योर रहते हो, लेकिन आपका पड़ोसी अगर आपके फेवर का नहीं है तो आपको हमेशा लड़ाई झगड़े किसी न किसी टेंशन की रहेगी। तो उन्होंने कहा ऐसी चीज़ों को जो अपने अधिकार में ले लो, जिसके कारण आपको कोई मानसिक अशांति ना हो और आप बड़ी शक्ति के रूप में आगे निकल के आए। तो जर्मनी की बढ़ती शक्ति को देखते हुए इन्होंने, इंग्लैंड के थे तो इन्होंने एक सजेशन दिया कि क्यों ना समुद्री शक्ति के बजाय इन्होंने किस शक्ति पे बल दिया, स्थलीय शक्ति को महत्व दिया। एटी महान ने किसको दिया था, समुद्री शक्ति को दिया था, और इन्होंने किसको दिया था, स्थलीय शक्ति को महत्व दिया था। तो एक तो आपको ये भी क्वेश्चन हो सकता है कहाँ कहाँ के थे, ठीक है,
ये हो सकता है किससे रिलेटेड इनकी संकल्पना थी या एटी महान ने किससे संबंधित इनकी वो होती थी। तो उस समय जब मैं बात कर रही हूँ मैकिंडर की, तो मैकिंडर ने उस समय एक बुक आई थी द इन्फ्लुएंस ऑफ सी पावर अपॉन हिस्ट्री, द इन्फ्लुएंस ऑफ सी पावर ऑफ हिस्ट्री। ये इनकी एटी महान की, मैंने कहा था ना एटी महान ने दिया था, एटी महान की बुक आई थी। किससे रिलेट थी ये रिलेटेड थी समुद्री शक्ति से, जिस समय उसका बहुत प्रभाव था। तो उसी बुक का ज़्यादा प्रचलन था उस समय। देखिए पहले की बात करिए तो जो पहली चीज़ आएगी उसका पहले प्रभाव पड़ेगा, इन्फ्लुएंस सी पावर ऑफ ऑन हिस्ट्री अपॉन हिस्ट्री का, इसको पावर अपॉन हिस्ट्री, इसका ऑफ नहीं अपॉन है, अपॉन हिस्ट्री, ठीक है। ये इनकी बुक का नाम है, बुक के नाम भी आपको याद रखने हैं, इम्पॉर्टेंट है बुक का नाम, ईयर और किस जगह के हैं और किससे रिलेटेड, चार चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन्होंने समुद्री शक्ति को बताया और इनकी बुक के माध्यम से, मैंने कहा था यूएस संयुक्त राज्य अमेरिका में ये कार्य वहाँ के राष्ट्रपति ने अपनाया था और उसी के आधार पर अपनी विदेश नीति बताई थी। लेकिन मैंने कहा था मैकिंडर ने किस पे बल दिया है, स्थलीय शक्ति पे बल दिया है, तो समुद्री शक्ति की तुलना में उन्होंने लैंड पावर पे जोर दिया था। तो इनका मानना था कि जो यूराल के पूर्व की बात करें या हम हिमालय के उत्तर पूर्व, देखिए मैं अब इसको डायग्राम से बताती हूँ, ठीक है। ये हमारा हो गया यूरेशिया वाला क्षेत्र, ठीक है, ये तो हो गया अपना यूरोप और यहाँ पे आ जाता है अपना ये कैस्पियन सागर, ये अरल सागर, ये काला सागर, ठीक है। मैं थोड़ा कैस्पियन सागर बड़ा बना देती हूँ, काला सागर थोड़ा छोटा कर देती हूँ। ये तो हो गया हमारा काला सागर, ठीक है, काला सागर, ठीक है, ये हो गया हमारा कैस्पियन सागर और यहाँ हमारा हो गया यूराल पर्वत, ठीक है, यूराल पर्वत। यूराल पर्वत ही है जो यूरोप और एशिया को अलग करने का काम करता है, ठीक है, ये अरल सागर हो गया। तो उन्होंने कहा था कि जो अपना काला सागर है उसके उत्तर या पूर्व की बात करें, काला सागर के पूर्व, ये पूर्व हिस्सा है भारत के उत्तर पूर्व, हिमालय के, हिमालय के उत्तर पूर्व की बात की थी, कैस्पियन सागर के भी किसकी बात करी थी, उत्तर पूर्व की, इस वाले हिस्से की। तो उन्होंने देखिए कैस्पियन सागर का पूर्वी भाग, कैस्पियन सागर का उत्तर पूर्वी, काला सागर का पूर्वी भाग, हिमालय का उत्तर पूर्वी भाग, इसको उन्होंने विशेष रूप से मेंशन किया था कि सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो ये क्षेत्र है जिसको हमें स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है, काला सागर का उत्तर पूर्व, हिमालय का उत्तर, यूराल का पूर्व का भाग। तो इन्होंने इसी को कहा कि अगर हम इस क्षेत्र को सुरक्षित, सबसे सुरक्षित स्थल अगर विश्व में कहीं है, यूराल का तो हो गया पूर्वी क्षेत्र, पूर्व, कैस्पियन सागर का भी उत्तर और पूर्व, तीन चार चीज़ें हैं, कैस्पियन सागर का उत्तर पूर्व, हिमालय का उत्तर पूर्व, यूराल का पूर्व। उन्होंने कहा कि ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र, ये सबसे सुरक्षित क्षेत्र है। कैसा है? सुरक्षित क्षेत्र। मैं अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो मैं लिख देती हूँ, यूराल का पूर्व का क्षेत्र, पूर्वी पूर्वी क्षेत्र, ठीक है, हिमालय का उत्तर पूर्वी भाग, काला सागर का उत्तर पूर्वी भाग। ये जो इन्होंने विशेष रूप से महत्व दिया था वो इन्हीं क्षेत्रों पे दिया था कि सबसे सुरक्षित स्थल अगर विश्व में कोई है तो उन्होंने इन चीज़, यूराल का पूर्व, हिमालय का, काला सागर के उत्तर पूर्वी भाग को सबसे अधिक सुरक्षित माना गया था। और इन्होंने इसी क्षेत्र को, इन्हीं तीनों क्षेत्रों को, ये जो पूरे तीन क्षेत्र हैं, ठीक है, इन्हीं को,
इसी को इन्होंने नाम दिया था धुरी क्षेत्र। सबसे पहले धुरी क्षेत्र का आया था, बाद में इन्हें इसी को इसने हृदय स्थल सिद्धांत दे दिया था, हृदय स्थल नाम दिया था, हार्टलैंड थ्योरी। फिलहाल हम धुरी क्षेत्र की बात करें तो ये तीनों स्थलों को मिला के उन्होंने कहा धुरी क्षेत्र। विश्व के सबसे सुरक्षित स्थल अगर हैं तो ये क्षेत्र हैं, ठीक है। यहाँ मैंने काला सागर बता दिया, ये आपको कैस्पियन सागर और यूराल पर्वत का पूर्व का क्षेत्र हो गया। ये सबसे इस सुरक्षित क्षेत्र, अगर ये आपके कब्जे में है तो समझ जाइए आप विश्व में एक महान शक्ति के रूप में कार्य कर सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कुछ चीज़ें कही थी और इसको कहा था ठीक है इंग्लिश में पावर्ट एरिया के नाम से इन्होंने इसको नाम दिया था। लेकिन इसके बाद भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ, धुरी क्षेत्र के लिए उन्होंने कुछ आधार क्षेत्र है, हृदय क्षेत्र भी नाम कहा जाता है, धुरी क्षेत्र कह लो, आधार क्षेत्र कह लीजिए, या मैंने आपको एक नाम बताया था हृदय स्थल, तो इनको इन्होंने इन इन नामों से बुलाया था। तो हम इन इन क्षेत्रों को क्या करेंगे, इम्पॉर्टेंटली डार्क कर देते हैं, ये वाले क्षेत्र यहाँ से लेके ये पूरा इलाका, ठीक है, ऐसे ये पूरा क्या हो गया था आपका धुरी क्षेत्र। सबसे पहले जो इन्होंने दिया था, इन्होंने अपने विचारों को सबसे पहले जो प्रकट किया था सन 1904 में किया था, मैं इसको यहाँ हटा रही हूँ, डायग्राम इम्पोर्टेंट है इसलिए डायग्राम में साफ नहीं करूँगी, इसको यहाँ लिख देती हूँ काला सागर, जिससे आपको याद रहे, ठीक है। और ये अफ्रीका और इसके बीच में तो आपको पता ही है, ये वाला क्षेत्र अपना भूमध्य सागर है और ये अपना अफ्रीका, ये अरेबिया है, ये भारत है, चाइना है, ये सोवियत संघ है, तो ये आपको ये मेडागास्कर भी बना देती हूँ, चलो ठीक है। तो ये क्षेत्र उन्होंने धुरी क्षेत्र के नाम से बताया था। इन्होंने जो अपने सबसे पहले विचार किए गए हार्टलैंड विचार सिद्धांतों का अगर हमें समझना है तो हम इनको चार भागों में, अगर मैकिंडर की थ्योरी को समझना है या हमें डिटेल में, देखिए ये थ्योरी कहीं ना कहीं पेपर में आई जाती है, ऐसा नहीं कि नहीं आएगी, स्पाइकमैन की आ जाती है कभी, मैकिंडर, घूम फिर के इन चारों में से कोई ना कोई एक थ्योरी जरूर आपके पेपर में आती है। तो इनके सिद्धांत को समझने के लिए हम इसे चार पार्टों में बांटते हैं। पहला है 1904 मैंने कहा था इन्होंने सबसे पहले अपने जो विचार दिए थे वो 1904 से दिए थे, 1904 से पूर्व प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व और प्रथम विश्व युद्ध तक, ठीक है। पहला मैंने कहा इसको समझने के लिए हमें आसान हो जाएगा और हमें लिखने का तरीका भी आ जाएगा। 1904 में इन्होंने सबसे पहले विचार दिए थे। दूसरे विचार की हम बात करें कि इन्होंने कब दिए थे, तो इन्होंने दिए थे 1919 से 1945 से, 1904 थे, 1919 से 1945 तक। सेकंड इन्होंने चेंज किए थे, कुछ अन्य क्षेत्र भी जोड़े थे, पहले में कम क्षेत्र थे, बाद में इनको लगा अगर कुछ क्षेत्र और जोड़ लिए जाए तो ये क्षेत्र और भी ज़्यादा क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। और फिर 1945 के बाद तीसरा, 1945 के बाद और चौथा वर्तमान समय में बात व वर्तमान तक में इसका महत्व, भाई महत्व भी तो वर्तमान में कितना काम कर रहा है ये भी तो पता होना चाहिए। तो हम इसको चार पार्ट्स में बांट के इसको आसानी से समझते हैं कि हार्टलैंड थ्योरी बहुत कोई टफ नहीं है, बहुत इजी है याद करना, और एक बार याद हो गई तो कहीं से भी, एक तो इनके ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। सबसे पहले कब दिया इन्होंने, ज्योग्राफिकल सोसाइटी के आगे ये परिप्रत पढ़ा था उन्होंने 1904 में सबसे पहले पढ़ा था, फिर उसमें कुछ संशोधन किए थे, पहले सिर्फ इतना सा क्षेत्र था, फिर भारत के भी कुछ पार्ट जोड़ लिए, फिर इधर से भी यूरोप के कुछ पार्ट ले लिए थे, तो उसमें कुछ विस्तार किया तो 1919 से 1945 तक का, फिर उसमें क्या क्या बदलाव आए, आलोचना हुई, उनमें कितना सुधार किया, वर्तमान में उनका सिद्धांत कितना सही है, क्या क्या उसमें कमियाँ रह गई हैं, उनके बारे में हम इन चारों पॉइंटों के माध्यम से बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं 1904 से प्रथम विश्व युद्ध तक की, ठीक है। चलिए
फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो स्टार्ट होता है 1904 से लेके जो प्रथम विश्व युद्ध तक का काल था उसमें इन्होंने मैकिंडर ने सबसे पहले 1904 में, मैं बार बार कह रही हूँ, अपने विचार दिए थे और 80 महान के विचारों को महत्व नहीं दिया था जो कि समुद्री शक्ति पे थे। इन्होंने किस पे महत्व दिया? स्थलीय सिद्धांत के बारे में महत्व दिया था। डायग्राम मैं साइड में इसलिए हूँ अगर आपको डायग्राम प्रॉपर दिख जाए, क्योंकि अगर सामने खड़ी हो जाती हूँ तो बच्चों के फ़ोन आते हैं कि मैडम आप सामने थी तो दिखता नहीं है, तो साइड में होके समझा रही हूँ मैं थोड़ा, ठीक है। तो इन्होंने किस पे बल दिया था? समुद्री शक्ति पे ना देके स्थलीय शक्ति पे दिया था। और मैंने आपको बताया था कहाँ के ये, इंग्लैंड के थे। इन्होंने सबसे पहले सर्वप्रथम मैंने कहा था 1904 में ज्योग्राफिकल सोसाइटी, ज्योग्राफिकल सोसाइटी है वर्ल्ड की, उसके सामने सबसे पहले इन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए थे। और उसका पूरा नाम है अगर रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी, मैंने सिर्फ इसका लिया, अगर वास्तव में नाम बात करें रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी के सामने सबसे पहले 1904 में, इसका भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो उसके बारे सबसे पहले वहाँ इन्होंने अपना ये विचार रखे थे। उन्होंने एक शोध पत्र लिखा था जिसके माध्यम से, और उसका शीर्षक मैं आपको बता दूं, जो ज्योग्राफिकल पाइवेट ऑफ हिस्ट्री, इसका जो इनका शोध पत्र इन्होंने प्रस्तुत किया था, द ज्योग्राफिकल पाइवेट ऑफ हिस्ट्री, ये इनका पहला, ये भी नाम पूछा जा चुका है पेपर्स में। सबसे पहला इनका शोध पर 1904 में रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी के सामने, जो ज्योग्राफी का पाइवेट ऑफ हिस्ट्री के नाम से आया था। और इसी प्रपत्र में उन्होंने कहा था कि इतिहास का केंद्र मतलब सदियों से सुरक्षित क्षेत्र जो है उसके बारे में उन्होंने बात कही थी, और इसको उन्होंने कहा धुरी क्षेत्र, जो कि मैंने देखिए डायग्राम में आपको यहाँ मेंशन किया हुआ है कि ये पूरा काला सागर का उत्तर पूर्वी क्षेत्र, यूराल पर्वत का पूर्वी क्षेत्र, हिमालय का उत्तर पूर्वी क्षेत्र, इसमें पाइवेट धुरी क्षेत्र के नाम से इन्होंने कहा था। और इतिहास का भी उनका मानना था कि ऐसा क्षेत्र है जिसमें कोई प्रवेश नहीं कर पाया था, इसीलिए उसने इस क्षेत्र पर विशेष बल दिया था, ठीक है। उन्होंने इसमें देखिए इस प्रपत्र में जो शोध पत्र इनका आया था उसमें इन्होंने बताया था कि जो एशिया का स्टेपी क्षेत्र है, स्टेपी घास के मैदान, जैसे अमेरिका का प्रेरी क्षेत्र, तो यूरोप वाला क्षेत्र, एशिया वाले क्षेत्र का स्टेपी क्षेत्र है, सवाल क्षेत्र, इनके बारे में बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा था एशिया के जो स्टेपी प्रदेश और यूराल पर्वत का मार्ग जो है, कैस्पियन सागर के जो हूण थे, अवार्स थे, बुल्गारियंस थे, मग्यार्स थे, मंगोल, इन्हीं क्षेत्रों से आए थे। तो उन्होंने कहा यूरोपीय और एशियाई इतिहास को इन लोगों ने बहुत प्रभावित किया था। देखिए इसके जो बीच में दर्रे होंगे उसके माध्यम से, यूराल पर्वत के माध्यम से, कैस्पियन सागर के पास से, और अपने ये जो मार्ग है हिमालय का थोड़ा निचला क्षेत्र, ये तो ऊंचा क्षेत्र है, यहाँ पे तो पहले इतने हेलीकॉप्टर हवाई जहाज तो इतना हुआ नहीं करते थे, तो मार्गों से, जिन मार्गों से कौन कौन आए थे, हूण आए थे, बुल्गारियंस आए थे, ठीक है, बहुत सारे हैं जिनके प्रॉपर नाम आपको बता रही हूँ, जो मोमेन मेन थे, हूण हैं, बुल्गारियंस हैं, इसके अलावा आपके अवार्स हैं, मग्यार्स हैं, मंगोल, क्योंकि चाइना का ये वाला हिस्सा, ये तो मंगोलिया पड़ जाता है ये वाला हिस्सा, लेकिन मैं बना नहीं रही जिससे कन्फ्यूजन, मंगोल थे, ठीक है, आदि, ये लोग इन क्षेत्रों से आए थे। तो उन्होंने कहा इन क्षेत्रों को अगर अपन कब्जे में ले लें तो हमारे यहाँ किसी का प्रवेश आना निषेध हो जाएगा, तो हम एक स्ट्रॉन्ग कोर क्षेत्र में डेवलप हो जाएंगे और हमारी शक्ति क्या हो जाएगी, विश्व में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगी। तो उन्होंने विशेष रूप से देखिए स्थलीय शक्ति, क्योंकि ऐसा नहीं था कि सब लोग समुद्री यात्रा करते थे, स्थलों के माध्यम से आ जाते थे, तो उन्होंने कहा था क्यों ना इन क्षेत्रों को हम एशिया और यूरोप के इतिहास को, जो व्यक्ति कहीं ये हूण है बुल्गारियन से यहाँ जाएंगे या यहाँ से यहाँ जाएंगे तो एक दूसरे को प्रभावित करेंगे, शासन करने की कोशिश करेंगे या माल बेचने की कोशिश करेंगे। तो उन्होंने कहा था सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र जो था हमारे, तो इन लोगों ने जो आक्रमण किया था, कहाँ कहाँ आक्रमण, ये जो भी आए थे, भारत पर आक्रमण किया, चीन पे आक्रमण किया, देखिए भारत तो कितने समय तक उपनिवेश रहा है, आपको खुद को, हम भारतीय हैं तो हमें पता ही है, ईरान पे किया, इराक पे किया, इन क्षेत्रों पे, पाकिस्तान वो जो भारत में था वो हिस्सा तो उन पे किया था। तो इन्होंने साथ ही इसमें इन्होंने सिर्फ यही क्षेत्र नहीं थे दक्षिण एशिया या दक्षिण पूर्व एशिया के, इन्होंने इसके साथ साथ यूरोप पे भी कब्जा करने की कोशिश की थी। तो उन्होंने कहा था जिन क्षेत्रों से आते उन रास्तों को ही रोक दो, भाई आपको पता है कोई
चोर को किसी कोई रास्ता दिख जाए तो आप सबसे पहले उस रास्ते को ही ब्लॉक करोगे ना कोई ऐसा कैमरा लगाओगे या दीवार लगाओगे जिससे वहाँ से प्रवेश ना कर पाए। तो उन्होंने कहा कि जो स्ट्रॉन्ग उन चीज़ों को स्ट्रॉन्ग कर लो जहाँ से प्रवेश की नीति कार्य कर रही हो। ठीक है, तो मैकिंडर ने जिस धुरी क्षेत्र को आधार क्षेत्र वर्णन किया था तो वह अपने चारों ओर क्या कह रहे थे, ऐसे सुरक्षा कवच बना लो जिससे हम सुरक्षित हों। इस क्षेत्र में कुछ नदियाँ भी थी, यूराल नदी जो कैस्पियन सागर में जाके गिरती है, यहाँ से अगर अपन नीचे काला सागर की बात करें, अरल सागर की, यहाँ इद्रिसी आ जाती है, यहाँ नदियाँ बहुत सारी नदियाँ हैं भारत की। तो इन क्षेत्रों की जो नदियाँ थी उन्होंने कहा आंतरिक परिवहन के लिए नदियों की भी सुरक्षा है, परिवहन कर सकते हैं, उनके माध्यम से यातायात भी हो सकता है, जल की भी सुविधा प्राप्त हो सकती है। तो इस क्षेत्र को उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बताया था। साथ ही इसने कहा अगर ये क्षेत्र है तो इसका अन्य क्षेत्रों से कोई संबंध नहीं। देखिए कारण बता देती हूँ, ये वाला जो हिस्सा है उत्तर वाला, ये वाला हिस्सा अगर मैं ऊपर ऊपर की बात करूँ तो यहाँ आर्कटिक सागर पड़ जाता है अपना, जो कि साल में करीबन 8-9 महीने बर्फ़ी जमी रहती है। जब बर्फ़ जमी रहेगी तो देखो वैसे ही नहीं पहुंच पाएगा, थोड़ी बहुत बर्फ़ पिघलती है तो इस क्षेत्र में ये क्षेत्र जो है वो दलदली हो जाता है, तो दलदल में आदमी नहीं जाएगा। तीसरी चीज़ सारे मान देखो हिमालय यहाँ आ जाएगा, खिंगन पर्वत आ जाता है, यहाँ आपका साइबेरियन पर्वत आ जाता है, तो विशेष विशेष जो पर्वत हैं वो सारे आ जाते हैं। इतने ऊँचे पर्वतों पर पहले चढ़ने का इतना आसान तरीका नहीं था। तो उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र देखिए नदियाँ भी बहुत विशाल सागर नहीं है, ये जमा रहता है, यहाँ से आ नहीं सकते, यहाँ से आएंगे तो पहले ही अन्य क्षेत्रों पे जाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा बहुत सारी दृष्टियों से ये क्षेत्र क्या है, बहुत ही सिक्योर है। तो इस वजह से बार बार कहते हैं अगर मैं इनमें बात करूँ कौन कौन सी नदियाँ इस क्षेत्र में, वोल्गा आ जाती है, आक्सू है, जैकेटस नदियाँ हैं जो पानी, इसके अलावा योब है, येनिसी है, लीमा है, और महासागर ये कैसा रहता है, आर्कटिक महासागर ज़्यादातर जमा रहता है, तो जमा रहने के कारण वहाँ पे देखो समुद्री यातायात तो कार्य कर ही नहीं सकता, और जब मेल्ट होता है तो दलदली क्षेत्र डेवलप हो जाता है। तो दोनों ही स्थिति में इसमें तो समुद्री भाग से तो इसका कोई संबंध है ही नहीं, तो एक तरीके से वैसे ही सिक्योर हो गया। जब जमा ही क्षेत्र तो समुद्री भाग में कोई क्यों जाएगा, जमे क्षेत्र में वहाँ से सिक्योर हो गया। इधर से साइबेरियन पर्वत आ गया, तियन शान खिंगन पर्वत आ गया, भारत की तरफ से हिमालय पर्वत आ गया, पाकिस्तान की तरफ से हिंदू कुश पर्वत आ गया, ईरान इराक की तरफ जैग्रोस पर्वत आ गया, यहाँ से यूराल पर्वत आ गया। इतने ऊंचे विशाल पर्वत है, इन पे इतनी ऊंचाई पे कोई जा ही नहीं सकता, तो वैसे ही ये सिक्योर क्षेत्र हो गया। ठीक है, मैकिंडर ने इसकी जो पूर्वी सीमा बताई थी, पूर्वी सीमा मतलब यूराल की पूर्व की, तो ये साइबेरिया वाले क्षेत्र तो उन्होंने कहा था साइबेरिया में तो हमेशा ही ठंड रहते, विश्व का सबसे ठंडा स्थान, बर्को यांसक भी यहीं पे, तो जब इतने ठंडे स्थान पे कौन, जनजातियों के अलावा और कोई आदमी नहीं जाएगा मरने वहाँ पे, तो उन्होंने कहा वैसे ही सुरक्षित होगा, कोई प्रवेश नहीं करेगा। इसके अलावा यूराल के में पश्चिम की, पूर्व की तो बात हो गई, अब मैं पश्चिम की बात कर लूँ इस क्षेत्र की, यूराल के पश्चिम की या दक्षिणी भाग की, निचले भाग की बात करूँ इसके दक्षिण भाग की, तो यहाँ पे भी क्या है हिमालय आ जाते, हिमालय वाला क्षेत्र आ जाता है, तो या तो पर्वत ऊंचा है या फिर प्राकृतिक वनस्पति बहुत घनी है, तो भी यहाँ कोई प्रवेश नहीं करता। तो ऐसी चीज़ जहाँ पे हमें मानव को अपनी सुविधा के अनुसार वातावरण नहीं मिलेगा या खाना नहीं मिलेगा, उन क्षेत्रों में मानव जाना पसंद नहीं करेगा। तो इस वजह से ये क्षेत्र क्या हो गया, बहुत ही सुरक्षित क्षेत्र हो गया। ठीक है, अब इसके इन्होंने इसके बाद कहा कि जो धुरी क्षेत्र है वो पश्चिम पूर्व दक्षिण अगर देखें तो अर्ध चंद्राकार आकृति में, देखिए ये आधा चंद्राकार आकृति तो बन रही है, अर्ध चंद्राकार आकृति में इन्होंने इसको बताया था धुरी क्षेत्र को। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि कहां से कहां तक का क्षेत्र, ये थोड़ा यहां तक ऐसे करके ये धुरी क्षेत्र, उन्होंने ये पूरा धुरी क्षेत्र आपका डेवलप हो गया। ठीक है, जिसको आंतरिक अर्ध चंद्राकार वृत्त नाम दिया था, अगर मैं दूसरा नाम कहूँ इसको आंतरिक अर्ध चंद्राकार वृत्त। ठीक है, बन गया, आपको क्लियर दिख रहा होगा आंतरिक अर्ध चंद्राकार वृत्त के बारे में। ठीक है, अब इन्होंने इसके बाद जो क्या है इसका विस्तार इन्होंने कहा था जर्मनी, जर्मनी वाला क्षेत्र खैर यहाँ आ जाता है जर्मनी तक, ये ऐसे जर्मनी का क्षेत्र लिया इन्होंने इसमें, इसके अलावा स्कैंडिनेविया, स्कैंडिनेविया वाले क्षेत्र लिए थे, मंचूरिया, मैंने आपको कहा था मंगोलिया और मंचूरिया वाले क्षेत्र यहाँ आ गए। तो
तो ये पूरा, और इसके अलावा भारत हिमालय आ गया, और इधर खिंगन और तियेनशान पर्वत चीन, तो भारत भी इसमें सम्मिलित हो गया, चीन भी इसमें सम्मिलित हो गया। तो आपके सोचिए, मैकिंडर ने भारत और चीन तक की बात कर ली थी उस समय भी, कि वो भी महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। वर्तमान में आपको पता है विश्व में सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र भारत और चाइना, आज भी देख लीजिए विश्व शक्ति के रूप में भारत और चाइना डेवलप हो रहे हैं, ठीक है, और विश्व इनकी शक्ति को मानता भी है। इस अर्ध महाद्वीपीय और अर्ध महासागरीय क्षेत्र की बात करें द्वीपीय अर्धवृत्त की, तो मैकिंडर ने इसके बाह्य और द्वीपीय अर्धचंद्राकार बल्ब यहाँ से लेके यहाँ इस क्षेत्र की बार बार उन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया था कि इस क्षेत्र को हमें सुरक्षित क्षेत्र की श्रेणी में मान लेना चाहिए, ठीक है। और समुद्री मार्गों के व स्थल दोनों से अगर देखा जाए, मैंने बार बार कहा ये जमा हुआ है, स्थलीय भेद में ऊंचे पर्वत हैं या बहुत घने जंगल हैं तो कोई नहीं आ सकता, तो प्राकृतिक दृष्टि से ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एरिया है, ठीक है। इसके इन्होंने कहा था यूनाइटेड किंगडम है, यूएसए, दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, ये समुद्र, ये जितने भी क्षेत्र हैं ये सब क्या हो गए, समुद्र के द्वारा अलग हो गए हैं। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया बनाऊँ तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ है तो बिल्कुल समुद्र अकेला पड़ गया, ठीक है, यहाँ अकेला है। अगर मैं अमेरिका वाला पार्ट बनाऊं, इधर से अगर अमेरिका का डेवलप करूं, ठीक है, ये उत्तरी अमेरिका, ये मान लीजिए हमारा उत्तरी अमेरिका हो गया, ठीक है, और ये हमारा हो गया दक्षिणी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, और ये साउथ अमेरिका। तो ये भी तो पानी के द्वारा अलग हो रहे हैं, और ये तो पनामा द्वारा इतना सा जुड़ रहे हैं, ये भी टुकड़े होकर अलग हो जाएंगे। तो समुद्र इनके पास ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर तो समुद्र भी हैं, स्थल ज़्यादा है, इनके पास स्थल ज़्यादा है, तो स्थलीय क्षेत्र को सुरक्षित करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने 1904 में मैकिंडर ने जो ये सिद्धांत दिया था, काफ़ी आलोचना भी हुई थी, लेकिन इन्होंने जो अपना धुरी क्षेत्र का सिद्धांत है 1919 में, इन्होंने इसमें कुछ सुधार किए थे। दोबारा एक नई पुस्तक आई थी इनकी, जिसमें उन्होंने जो इसकी कमियाँ, उन्होंने कहा था सिर्फ इतना सा क्षेत्र ही क्यों, यूरेशिया तो यहाँ तक है, यहाँ तक का क्षेत्र सुरक्षित होना चाहिए। तो उन्होंने जो जो इसकी आलोचनाएं हुई कि नहीं समुद्र भी तो है, यहाँ प्रशांत महासागर है, यहाँ हिंद महासागर है, यहाँ अंध महासागर है, तो महासागरीय क्षेत्र तो यहाँ पे भी है। और धीरे धीरे टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा था, तो मैंने कहा था हवाई जहाज जैसी चीज़ें भी डेवलप बन रही थी, और इन क्षेत्रों को पार करना ईजी हो रहा था। तो उन्होंने इसकी जो कमियाँ थी उनको कब सुधार किया, 1904 में सबसे पहले थे, फिर मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट बताया था 1904 से लेकर प्रथम विश्व युद्ध तक है, तो वो तो काल ही हो गया 1904 के बाद 1919 में जो भी 1904 में उनके विचारों की आलोचनाएं उनको सुधार किया 1919 से लेकर 1945 के बीच में।